वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी बकील सिंह ने नामांकन पत्र भरने के बाद कहा कि वार्ड नंबर 11 में सालों से सीवरेज का काम लटका हुआ है और इस काम को करवाने के लिए विधायक के साथ से पूरा करवाया जाएगा। इसके साथ ही वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था ठीक नहीं है तो सफाई व्यवस्था भी बेहाल है। उन्होंने कहा कि पिछले समय में रहे पार्षदों ने वार्ड की अनदेखी की है और लोग भी अब परिवर्तन चाहते हैं। मेरे वार्ड पार्षद बनने के बाद ना जी, सर्वप्रथम जो मेरी प्राथमिकता होगी वो होगी जो बरसों से सीवरेज का कार्य लटका हुआ है उसको पूरा करने का, उसमें विधायक का साथ भी पूरा लिया जाएगा और जो कई सालों से स्ट्रीट लाइट की बुरी हालत है वो उसको प्राथमिकता रहेगी ठीक करने की। और सड़कों की बहुत बुरी हालत है कई सालों से जिसकी अनदेखी हो रही है, उनका भी पूरा कार्य ठीक ढंग से किया जाएगा और सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राथमिकता रहेगी। बहुत ज़्यादा कमियां रही हैं, उन्होंने पूरा वार्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया, इस करके हमारा वार्ड काफ़ी पिछड़ चुका है और हमारे रास्तों की हालत बहुत बुरी है और हमारी जो स्ट्रीट लाइटें हैं, सफाई व्यवस्था है वो काफ़ी बुरी हालत में है। तो अगर पब्लिक ने हमें सहयोग दिया तो हम इन सभी कामों को पूर्ण रूप से करने की कोशिश करेंगे।